लो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपने बात करेंगे जो श्री राम TNPL का आज के दिन का मैच होगा, जो खेला जाएगा दिंडीगुल ड्रैगन्स वर्सेस रूबी ट्रिकी वॉरियर्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के, तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर मैच के बारे में, तो मैच 7:15 पर स्टार्ट होगा। शाम को मैच खेला जाएगा इंडियन सीमेंट कंपनी ग्राउंड पर। और ये जो ना पहला मैच हुआ उससे पता चला कि भाई यहाँ पर ना बैटिंग सरफेस है और बॉलर्स को यहाँ पर थोड़ी सी कम मदद मिली थी। हाँ, स्टार्टिंग में बॉल ने थोड़ा बहुत स्विंग किया था, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा था तो यहाँ पर बॉल बैट पर अच्छे से आ रही थी और अच्छे रन यहाँ पर बने थे। एवरेज स्कोर यहाँ पर 160 से 180 के बीच में चल रहा है। अभी कल जो मैच हुआ था वो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीता था, क्योंकि वैसे तो सुपर ओवर में गया था मैच, लेकिन जिस टीम ने पहले बैटिंग की थी वही मुकाबला जीती थी। अब देखो, पहले बात करेंगे यहाँ पर DD की टीम की। तो DD की जो टीम है ना, यहाँ से ओपन कर सकते हैं R विमल कुमार और हरि निशांत। पहले बात करूँगा विमल कुमार की, तो देखो इसने ना लास्ट सीजन एक मैच खेला था सिर्फ, जिसमें इसने 11 रन किए थे। लेकिन अगर आप इसका रिसेंट फॉर्म देखोगे, इसने जो इंडिया बी अंडर 19 थी ना उसके लिए मैच खेले हैं, ये देखो क्या किया है, 59, 10, 35, 12, मतलब अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे सकता है यार विमल कुमार, ध्यान रखना। और ओपन करता है। हरि निशांत की बात करूं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और लास्ट सीजन इसका बहुत शानदार रहा था। 9 मैच में 368 रन, 40 का एवरेज है, तो बहुत शानदार रिकॉर्ड है। लेकिन और अगर आप इसका रिकॉर्ड देखोगे, यहाँ पर जो तमिलनाडु की टीम है जो स्टेट लेवल की, उस पर भी अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, 27 मैच में 593 रन, 26 का एवरेज है। तो हरि निशांत तो आपके लिए मस्ट पिक होने ही वाला है। फिर आएंगे ऐसे के मानी भरती, भारती राइट हैंड बैट्समैन है। इसने लास्ट सीजन 9 मैच में 187 रन किए थे, 20 के एवरेज से ठीक ठाक सा प्लेयर है। चाहो तो पिक करना, अदरवाइज ड्रॉप कर देना। फिर आएंगे ऐसे राज हमैनी श्रीनिवासन, राइट हैंड बैट्समैन है। लास्ट सीजन 7 मैच में 125 रन किए थे, 17 का इनका एवरेज था। नंबर 5 पर आएंगे राजेंद्र विवेक, राइट हैंड बैटिंग करते हैं, मीडियम फास्ट बॉलिंग करवाते हैं पार्ट टाइम, हर मैच में 4 ओवर नहीं डालते लेकिन बॉलिंग करवाते हैं। और लास्ट सीजन अगर आप देखोगे, 9 मैच में 240 रन किए थे, 40 के एवरेज से, और 4 विकेट भी थे 17 ओवर डाल के, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे। और स्टेट लेवल पर तमिलनाडु के लिए 5 मैच में 65 रन, 21 का एवरेज है। फिर आएंगे ऐसे मोहित हरिहरन, लेफ्ट हैंड बैटिंग है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। 9 मैच में 117 रन किए थे लास्ट सीजन, 19 का सिर्फ एवरेज था और 1 विकेट था 5 ओवर डाल के। फिर आएंगे ऐसे एस स्वामीनाथन, राइट हैंड बैटिंग ऑफ ब्रेक बॉलर है। 9 मैच में 42 रन किए थे लास्ट सीजन, 10 के एवरेज से और 6 विकेट इनके नाम थे 19 ओवर डाल के। हर मैच में 4 ओवर नहीं डाल रहे थे लेकिन बॉलिंग जरूर करवा रहे थे। फिर आएंगे ऐसे लक्ष्मी नारायण विग्नेश, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर हैं। लास्ट सीजन 8 मैच में 7 विकेट थे 24 ओवर डाल के, और फर्स्ट क्लास में 5 मैच में 56 रन, 7 विकेट है तमिलनाडु के लिए। फिर आएंगे ऐसे एम सिलाम बरशान, लास्ट सीजन 9 मैच में सिर्फ 5 विकेट थे 28 ओवर डाल के, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, मतलब बॉलिंग करवाई थी इसने लास्ट सीजन लेकिन विकेट थोड़े कम मिले थे। और आएंगे ऐसे गुर्जा परनीत सिंह, लास्ट सीजन 9 मैच में 7 विकेट थे 35 ओवर डाल के, लगभग 4 ओवर इन्होंने हर मैच में डाले थे, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है बॉलर हैं। आएंगे ऐसे रंगराज सुतेश, लास्ट सीजन 9 मैच में 12 विकेट थे 33 ओवर डाल के, और T20 में स्टेट लेवल के लिए भी 2 मैच में 3 विकेट है, तो अच्छा रिकॉर्ड है इनका। अभी के लिए जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है, देखो मेरे हिसाब से विमल कुमार अच्छा प्लेयर बन सकता है, हरि निशांत हैं, राजेंद्रन विवेक हैं, इसके अलावा यहाँ से देखो रंगराज सुतेश को तो बिल्कुल रखना है, इसके अलावा यहाँ से गुरजनप्रीत सिंह भी अच्छा बॉलर है। अगर आप इसको नहीं रख रहे तो आप इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर रख सकते हो। बेंच पर जो इनके प्लेयर हैं उनके भी स्टेट्स एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, तो आप देखोगे अद्वैत शर्मा है, इसने देखो यहाँ पर लास्ट सीजन भी नहीं खेला ना ही स्टेट लेवल पे खेला, लेकिन जो अपना क्लब लेवल होता है वहाँ पर 12 मैच में 9 विकेट है इसके नाम, 64 ओवर डाल के। एस अरुण, लास्ट सीजन 5 मैच में 65 रन थे 13 के एवरेज से, सिर्फ 1 ओवर डाला था, विकेट नहीं मिला था। रविचंद्रन अश्विन इस हाफ में अवेलेबल नहीं रहेंगे, सेकेंड हाफ से अवेलेबल रहेंगे, अभी ये इंग्लैंड में है। एम कार्तिक शरण की बात करूं, 2022 ODD में अपने क्लब के लिए 3 मैच में 13 विकेट निकाले इन्होंने, लेकिन क्लब लेवल का रिकॉर्ड है ये भी ध्यान में रखना, मतलब छोटे लेवल का। एस कृष्णा कुमार डोमेस्टिक T20 में 8 मैच में 44 रन, 4 विकेट है 26 ओवर डाल के, ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है।
सुरेश लोकेश्वर, अगर ये खेलता है तो ये भी ओपन करता है ध्यान रखना, और 4 मैच में 32 रन किए थे इसने लास्ट सीजन, और 2019 में अपने क्लब के जो इन्होंने 2019 वाला सीजन जो खेला था ना उसमें इन्होंने 8 मैच में 188 रन किए थे। मतलब जो लास्ट सीजन था 21 वाला, 2021 वाला वो उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन 19 वाला सीजन इनका अच्छा रहा था। मनोज कुमार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर आएंगे ऐसे करा परमबिल मोनिस, लिस्ट ए में 2 मैच में 19 रन 2 विकेट है, जबकि फर्स्ट क्लास में 23 मैच में 512 रन 88 विकेट है। मतलब एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इसके पास, ध्यान रखना T20 उतना नहीं खेला लेकिन लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास बहुत अच्छा खेला हुआ है। फिर आएंगे ऐसे करुणा करण मुकुंद, लास्ट सीजन 3 मैच में 19 रन थे जबकि फर्स्ट क्लास में 3 मैच में 10 रन है तमिलनाडु के लिए। फिर आएंगे ऐसे अंधिमानी प्रदीप, इसके नाम T20 में 24 मैच में 344 रन 17 का एवरेज 1 विकेट है 7 ओवर डाल के, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है। और के विशाल विद्या 21 वाला सीजन नहीं खेला लेकिन 19 वाले सीजन में 8 मैच में 116 रन थे 14 के एवरेज से, और अगर आप इसका ओवरऑल करियर का रिकॉर्ड देखोगे 14 मैच में 688 रन है, मतलब बैटिंग बहुत अच्छी कर सकता है। तो DD के हर प्लेयर का रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। इनकी तरफ से देखो स्टार्टिंग के जो ओवर हैं वो डालते हैं आर सुदेश और एल विघ्नेश, डेथ के ओवर डालते हैं जी सिंह, आर सुदेश और एम सीलाम बरशान, ये बात आप ध्यान में रखना। अब बात करेंगे यहाँ पर जो दूसरी टीम है RTW की टीम, तो इनकी जो टीम है यहाँ से ओपन करेंगे संतोष शिव और अमित सात्विक। तो पहले बात करेंगे संतोष शिव की, लास्ट सीजन 4 मैच में सिर्फ 52 रन मात्र 13 का एवरेज था, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। अमित सात्विक 9 मैच में 197 रन 21 का एवरेज था इसका लास्ट सीजन, ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस था, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिल जाएगा। निधिश राजगोपाल का बहुत अच्छा सीजन था लास्ट वाला, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लास्ट सीजन 9 मैच में 306 रन 43 का बहुत शानदार एवरेज था, इंपॉर्टेंट रहेगा। एंटनी दास जो है ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, राइट हैंड बैटिंग करता है, मीडियम पेस बॉलिंग करवाता है, लास्ट सीजन 9 मैच में 109 रन 5 विकेट थे 20 ओवर डाल के, और स्टेट लेवल पर भी 12 मैच में 88 रन 14 विकेट है, तो अच्छा प्लेयर है ये मेरे हिसाब से। आइया से आदित्य गणेश टीम के लिए विकेट कीपिंग करते हैं और नंबर 5 के करीब बैटिंग करते हैं, लास्ट सीजन इनका भी अच्छा रहा था, 9 में 249 रन 62 का एवरेज था जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड है। मोहम्मद अदनान खान लास्ट सीजन 7 मैच में 107 रन 17 का एवरेज 0 विकेट था 1 ओवर डाल के, उतना अच्छा रिकॉर्ड इनका नहीं रहा था। फिर आएंगे ऐसे पी सरवना कुमारा, बहुत अच्छी बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं, लास्ट सीजन 9 मैच में 82 रन किए थे 82 के एवरेज से क्योंकि नॉट आउट रहे थे, और 13 विकेट इनके नाम थे 32 ओवर डाल के, और स्टेट लेवल पर भी आप देखोगे 3 मैच में 11 रन 7 विकेट हैं, बहुत शानदार रिकॉर्ड है इनका। फिर आएंगे ऐसे एम माथिवनन, लास्ट सीजन 9 मैच में 10 विकेट इनके नाम थे 31 ओवर डाल के, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी। फिर आएंगे ऐसे एम पोया मोजई, मीडियम पेस बॉलर हैं, लास्ट सीजन 6 मैच खेले थे सिर्फ 6 मैच, उसमें 10 विकेट निकाले थे पूरे 24 ओवर डाल के। और राहिल शाह के नाम 9 मैच में 8 विकेट थे लास्ट सीजन, और स्टेट लेवल पर 46 मैच में 45 विकेट है। और आकाश सुमरा के नाम लास्ट सीजन 5 मैच में 2 विकेट थे 11 ओवर डाल के। तो अभी के लिए जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो हैं, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगे निधिश राजगोपाल, एंथनी दास, आदित्य गणेश, पी शर्वना कुमारा, इनके अलावा एम पोयो मोजई, राहिल शाह। बेंच पर जो प्लेयर हैं उनके भी स्टेट देख लें एक बार, तो MS संजय हैं, लास्ट सीजन 2 मैच में 3 रन 0 विकेट थे 5 ओवर डाल के, जबकि 2018 वाले सीजन में 7 मैच में 42 रन 4 विकेट थे 18 ओवर डाल के। मुरली विजय इंटरनेशनल प्लेयर है, अगर खेलेंगे तो ओपन करेंगे, 169 T20 मैच में 4223 रन 26 का एवरेज इनका ओवरऑल करियर का। अतीकुर रहमान ये भी अब तक स्टेट लेवल पे भी नहीं खेला, ना ही लास्ट सीजन खेला था, लेकिन जो क्लब लेवल पे खेला है ना वहाँ पर बहुत अच्छी बैटिंग इसने की है, 38 मैच में 1531 रन अपने क्लब के लिए 54 का एवरेज और 46 विकेट है। और जस्पर बेंजामिन भी यहाँ पर क्लब के लिए ही खेला है, लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन है, 16 मैच में 321 रन है क्लब के लिए। और पी सुगेंदीरन के नाम लास्ट सीजन 4 मैच में 34 रन थे जबकि ओवरऑल क्लब के लिए 81 मैच में 2335 रन 40 का एवरेज 56 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे एम ई यज अरुण मोजई, राइट हैंड बैटिंग ऑफब्रेक बॉलर हैं, 2018 वाले सीजन में 4 मैच में 3 विकेट थे जबकि ओवरऑल 15 मैच में 31 विकेट है क्लब के लिए। बाकी के जो 4-5 प्लेयर हैं इनके अभी रिकॉर्ड मेरे को नहीं मिले, वैसे इनमें से कोई खेलेगा नहीं, अगर खेलेगा तो उसके स्टेट्स मैं आपको ढूंढकर दे दूंगा। तो एनालिसिस वाला जो पार्ट था हो चुका है कंप्लीट। देखो एक और चीज़ बता दूं, इनकी तरफ से स्टार्टिंग के ओवर डालते हैं पी शर्वना, राहिल शाह, डेथ के ओवर डालते हैं एम पोया मोजई, पी शर्वना और राहिल शाह। तो एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, उम्मीद करूंगा आपको मेहनत पसंद आई होगी, बहुत मेहनत से स्टेट्स आपके लिए सिर्फ ढूंढे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन की, मतलब मैंने किस किस को रखा है यहाँ पर।
विकेट कीपिंग सेक्शन से आदित्य गणेश को रखा है, बैटिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर निधीश राजगोपाल, हरी निशांत और आर विमल कुमार को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने यहाँ पर राजेंद्रन विवेक और एंथनी दास को रखा है, और बॉलिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर एम पोया मोजई, राहिल शाह, रंगराज सुतेश, पी सरवना कुमारा और एस स्वामीनाथन को यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये मेरे अभी के लिए 11 प्लेयर्स हैं। कैप्टन मेरे यहाँ पर हरी निशांत है, वाइस कैप्टन पी सरवना कुमारा है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको मैं बता ही चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और वहाँ पर जिन प्लेयर के स्टेट्स नहीं है, जैसे कि 4-5 प्लेयर उनमें से कोई खेलेगा तो उसके स्टेट्स पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो थैंक यू भाई, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।